हाय फ्रेंड्स, इट्स अकुल हियर एंड वेलकम बैक टू द लिविंग कलर्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक अ नेस्ट बॉक्स फॉर बजीज। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग बजीज के लिए नेस्ट बॉक्स कैसे बना सकते हैं। आप इसको दो चीज़ों से बना सकते हैं, या तो आप एक वुडन बॉक्स बना सकते हैं या आप एक अर्दन पॉट या मटकी जिसको बोलते हैं वो आप ले सकते हैं और उसमें आप एक होल कर सकते हैं और वैसे आप एक उसके लिए नेस्टिंग बॉक्स बना सकते हैं। बजीज बहुत पसंद करते हैं अर्दन पॉट वाले नेस्ट बॉक्स उन लोगों को, क्योंकि मे बी जो लास्ट कॉलोनी में थे या जहाँ से आप लेके हैं वहाँ पे अर्दन पॉट्स ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग। सो ज़्यादातर बजीज फटाक से अर्दन पॉट पकड़ लेते हैं एंड दे स्टार्ट ब्रीडिंग। बट वुडन बॉक्सेस में होता है कि दे टेक टाइम, उनको डर लगता है पहले एंड वो समझ नहीं पाते नई चीज़ क्या है। सो इट टेक टाइम फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि वो चीज़ क्या है, बट दे विल सूनर और लेटर दे विल डेफिनेटली ब्रीड इन दोज बॉक्सेज एज वेल। सो यू कैन ट्राई एनी आइडिया, इट्स नॉट अ थिंग। वो थोड़ा महंगा पड़ता है, दिस इज अ चीपर साइट, सो यू कैन गो विद एनी ऑफ दिस व्हिचएवर यू वांट। सो नाउ फॉर मेकिंग अर्दन पॉट, जो उसमें होल करना होता है, बहुत बार क्या होता है कि जब हम लोग होल कर रहे होते हैं तो क्रैक कर जाता है अर्दन पॉट या पूरा टूट जाता है। सो उससे बचने के लिए देयर आर टू वेज थ्रू व्हिच यू कैन मेक अ होल इन द अर्दन पॉट। आप दो तरीके से होल बना सकते हैं उस मटकी में, दो सिंपल तरीके हैं। एक में आपको सेंटर से होल लेना है और दूसरे में आपको एक रफर्स सर्कल बनाना है, देन यू हैव टू ब्रेक इट। सो मैं आपको दोनों ही तरीके प्रैक्टिकली करके बताऊंगा एंड आई जस्ट एक्सप्लेन जितना भी होगा एंड रेस्ट यू कैन जस्ट गो ऑन विद इट। आप कोई भी तरीका ले सकते हैं, दोनों ही आसान होते हैं एंड दोनों में ही आपका पॉट क्रैक करने का चांस बहुत कम रहता है, आपका पॉट बचे रहेगा और आप इजीली उसमें एक अच्छा सा होल कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स मेक द होल्स इन दोज अर्दन पॉट्स। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी दीज आर टू अर्दन पॉट्स। ये मैं दो इसलिए ले लिया क्योंकि आपको दोनों एक ही अलग अलग तरीका बता दूंगा। एंड द टूल्स दैट यू विल बी नीडिंग इज अ स्क्रू ड्राइवर एंड अ हैमर। दिस स्क्रू ड्राइवर इज बोथ डबल साइडेड, दैट मीन्स इसमें एक तरफ स्टार वाला है और एक तरफ फ्लैट पिन। सो आप इसमें दोनों चाहिए होएगा, अगर आपके पास दो अलग अलग है वो भी चलेगा। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू मेक अ होल इन द पॉट। पूरा एक हम लोग होल अलग से उसमें बना लेंगे, आई विल जस्ट शो यू हाउ टू मेक इट। हम लोगों ने ये फर्स्ट तरीका है, हम लोगों ने होल बना लिया। हम लोगों ने पहले चारों तरफ इसके एक लाइन बनाई और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको सेंटर से तोड़ दिया। तो एक आसान तरीका था, इसमें थोड़ा सा साइड से चिप कर गया, मैंने ज़्यादा तेज से कर दिया था क्योंकि कांच की टेबल है, इस पर सही प्रेशर नहीं बन रहा था। आप इसको जब ज़मीन पर रख के करेंगे तो ये ईजिली हो जाएगा इसमें। सो ये फर्स्ट तरीका है। नाउ आई विल शो यू द सेकेंड वे। सेकेंड तरीके में आपको सेंटर में एक होल करना है और फिर आप उसको धीमे धीमे बढ़ाते जा सकते हैं। इसमें मैंने फ्लैट पिन यूज़ करा था जिससे ईजिली एक लाइन टाइप का बन जाए। अब मैं इसमें स्टार पिन यूज़ करूँगा, जैसे कि ये देख रहे हैं। इसमें पहले मैं एक होल बना लूँगा थोड़ा सा ऐसे करके। सो फ्रेंड, दिस इज वॉज द सेकेंड वे टू मेक अ होल इन द नेस्ट बॉक्स। और ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा उस लास्ट वाले तरीके से, क्योंकि इसमें मैंने देखा कि इसमें हाँ थोड़ा सा क्रैक हो गया है, बट वो कांच पे था इसलिए थोड़ा सा क्रैक करा है।
बोथ द वेज आर वेरी गुड, दोनों ही तरीके बहुत ही अच्छे हैं, आप किसी भी तरीके से नेस्ट बॉक्स में होल कर सकते हैं। एंड जब आप होल कर रहे हो, आप कोशिश करें थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ये वाला जैसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, ऐसा होल ना करें। मैंने इसमें ऐसा होल इसलिए करा जानबूझ के जिससे आपको बता सकूं, ये ऐसा होल करेंगे तो जो आपके जो चिक्स हैं वो थोड़े बड़े होंगे तो वो बाहर आ जाएंगे, मगर आप जब ऐसा होल करेंगे तो वो जब तक वो थोड़े से ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे, उनके विंग्स नहीं आएंगे, तब तक वो बाहर नहीं निकल सकते। एंड देल बी सेफ इनसाइड दिस, इसमें थोड़ा सा डर है निकलने का। आई वॉन्ट यूज दिस, बस मैंने आपको एक सैम्पल के लिए यहाँ पे जानबूझ के इसमें नीचे छेद करके दिखाया। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द वीडियो एंड आज के लिए इतना ही है, यहीं तक इसको मैं बता सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसमें और बर्ड्स छोड़ने जा रहे हैं अपनी कॉलोनी में, एंड वी गोना हैंग दीज अर्दन पॉट्स, ये जो मटकियाँ हैं, इसको हम लोग टांगेंगे अपनी वापस कॉलोनी में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव अ थम्स अप। एंड इफ यू न्यू ओवर हियर एंड यू लाइक वीडियोज ऑफ प्लांट्स, एनिमल, फिशेज एक्सेट्रा, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड द नेक्स्ट वीडियो।